कहता है सवाल क्या कि द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 84 kg। देखो जी, 20 विद्यार्थी का जो एवरेज एज है, एवरेज एज कितना है? 84 kg है एवरेज एज है, एज इज 84 kg। एवरेज वेट होगा ना? हाँ, एवरेज वेट। हाँ, एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 84 kg। 48 नहीं, 84 इधर से। अच्छा, एक कहता है कि 20 विद्यार्थी का औसत जो है कि जो वजन है 84 kg है। इफ वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3 kg। कहता है अगर इसमें एक टीचर को और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 21। तो सब में एवरेज एज कितना है? 3 kg सबका बढ़ जाता है। बात समझना। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का एज कितना है? देखो यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ देखो, सबसे पहला तो पहले 84 kg था, तो इनका भी तो 84 तो रहा ही होगा है, और देखो 84 रहा ही होगा। अब 2100 होकर ना 3 kg बढ़ गया होगा, 2163 kg और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 7 × 8 = 14, 147 kg का टीचर होगा जी। एक नंबर ऑप्शन आया, समझ में क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। अब क्या है, इस फिर से देखना, वीडियो में समझ में आ जाएगा, रिप्ले कर करके देखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, इसको इधर से रखना होगा। चलिए देख, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया। रिड्यूस घट गया, कितना घटेगा? देखो तो घटेगा कितना, 50 माइनस 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100 हो जाएगा सीधा। समझा ना? क्योंकि भाई ये वही कौन फार्मूला, मास्टर फार्मूला में 20 ख़त्म हो जाएगा, 50 में 50 जाएगा, माइनस से 50 यहाँ पर होगा क्योंकि घटिया रहा दोनों ना, तो माइनस 100 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा? 75 माइनस में, यानी कि 75% की क्या हो जाएगी? 75% की कमी हो जाएगी ना इसके एरिया में, 75%। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है दिया हुआ। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका यही होता है मास्टर फॉर्मूला, क्या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो इसी पर रखिए, कमी रहेगा तो माइनस, कमी रहेगा तो माइनस, और बढ़ोतरी रहेगा तो क्या होगा? बढ़ोतरी प्लस रहेगा। क्लियर है? कमी माइनस माइनस देख रही है, इसी पर रख दीजिएगा, इस पर रखिए, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसी में एक और सवाल दिया हुआ है। सवाल देखिए दूसरा क्या है कि यह सवाल बनाना है दूसरा नंबर पे। कहता इन अ आइसोसेलेस ट्रेंगल ए बी बराबर बी सी। आइसोसेलेस समझते हैं, दो भुजा बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी। कहता ए मान लीजिए इसको, ए बी बराबर बी सी, बी सी बी बी कॉमन पॉइंट है ना, देख रहे हो? तुरंत पढ़ा था अभी, ए बी बराबर बी सी, 13 डिग्री 13, ये 13 है तो ये भी 13 है। अब कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, बी टू ए सी यहाँ से यहाँ तक, बी टू ए सी है, ठीक है, यहाँ पर ये मान लो डी पॉइंट है, बी टू ए सी क्या ए सी 12 cm, कहता है ये 12 cm है, देन वाट इज द लेंथ ऑफ द ए सी, ए सी का हमारा लेंथ। अब बताइए, अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, जितना ये आएगा इतना ये भी आएगा, आएगा कि नहीं? तो सीधा रूट ओवर कर देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 में 144 घटाएंगे कितना आएगा जी? 25 आएगा, रूट ओवर 25 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 तो ये भी 5, 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आंसर, 10 हो जाएगा आपका। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? 10 cm, ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्लियर है? समझे कि नहीं?
दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए दिक्कत नहीं है तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ ध्यान दें। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है 25% ऑफ, पढ़ते चलो रे, 35% ऑफ 2/7 ऑफ 1680 ऑफ 1680 इक्वल क्वेश्चन है। क्या बात कर रहा है, वही है ऑफ 80, हाँ कितना होगा? चलो ठीक है, चलिए तब लिख देते हैं 25/100। क्या बोल रहा है इसमें, कौन चीज़ ने बना जो नहीं बना रहे? 2/7 गुना कितना, 1680 कर दिए। वाह, अब देखिए 25 × 100 हुआ, 2×2 = 4 हुआ, 7×5 = 35 हुआ, और 20×5 = 100 हुआ, 2×2 = 4 होगा रे यहाँ पर, 37 कटाते हैं पहले, रो 7 से कटेगा नहीं, कटाएंगे कैसे? नहीं कटेगा रे, इससे कटाना, ठीक है, इससे नहीं कटेगा, ये गलती से हो गया है, ठीक ये वाला 7 कट दीजिए, ये 7 कटा दिए, ठीक 2×2 = 4, वो 7 नहीं कटा है सर, वो 7 नहीं कटा ऊपर का काट दिए रे, यहां देखो कैसे, ये 7 से काट दिए, ये 7 से 35 कटा, ना ना 5 नहीं कटा है, अरे कटा दिए वो 5 से कटा, हां कट गया सर, हेलो, हां कट गया, और आधा घंटे लगेगा, ठीक हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा देखिए, यहाँ 2 × 2×4 होगा, 40 हो जाएगा, 4 से इसको कटा, 4 × 16 4×2 = 8 होगा। अब देखिए नीचे 10 है ना, यहाँ 10 रह गया ना, 1 0 कटा देंगे, ऑप्शन में क्या क्या है जी, 42 है आंसर, कटा लीजिएगा आप, सिर्फ कटाना था, ठीक 42 होगा, ठीक उसमें आप क्वेश्चन नहीं कीटा था, चलिए ठीक, तब आगे क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला, 25% का 35% का 2/7 का 1680 कितना होगा, बस समझ में आई बात, वही खो कैसा सवाल ले ले, बस कौन दिया रे मरियल जैसा बना के दिया, इंग्लिश मीडियम मेरा नहीं है, रेशियो 3:4 3-4 कैल्शियम 12 होगा, 12 भाग देंगे 12×7 = 84, तो 3×7 = 21 4×7 = 28 यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, 28 सही बात बोला, ये हमारा कंप्यूटर वेग हैंग करवाएगा ये लोग कुछ, चलो आगे बढ़े। A and B started a business with